हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत 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 स्वागत है अन्नपूर्णा किचन में। आज हम बनाने जा रहे हैं स्वीट कॉर्न हलवा, यानी भुट्टे के दानों का हलवा, और ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होता है। हाँ फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरी रेसिपी को लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें फ्रेंड्स में, और चैनल को सब्सक्राइब करें लाल बटन दबाकर, और नीचे घंटी का बटन आ जाएगा उसको क्लिक करें, जिससे कि मेरी नई नई रेसिपी आप तक जल्द से जल्द पहुंच सकें। हलवे तो आपने बहुत सारे खाए होंगे, आज हम बनाने जा रहे हैं स्वीट कॉर्न का हलवा, जिसके लिए हमने ये ताज़ा स्वीट कॉर्न लिए हैं। आप भुट्टे के दाने ताज़ा निकाल लें या उन्हें पीस लें, इन्हें हम मिक्सी में दर दर पीसेंगे। आप चाहें तो कद्दूकस कर लें। एक कप है ये, आधे कप शुद्ध घी, ये 3/4 कप शुगर और 2 इलायची जिन्हें हम क्रश करके डालेंगे, थोड़े से ड्राई फ्रूट्स हैं, काजू बादाम, पिस्ता किशमिश, और ये 1 ग्लास दूध है। अभी भुट्टे के दाने को हम मिक्सी के जार में डालकर इनको ग्राइंड कर लेंगे। ये हमने दानों को पीस लिया है। पीसते टाइम एक चीज़ का आप ध्यान रखें कि पानी ना डालें, क्योंकि ये ताज़ा रहते हैं तो इसमें अपने आप ही ये जूसी हो जाते हैं। ये गैस ऑन करके आप एक पैन या कढ़ाई रख लीजिए, उसमें हमने ये घी डाल दिया। घी को गर्म होने दीजिए। घी गर्म हो चुका है, हम सबसे पहले ड्राई फ्रूट जो लिए हैं उनको रोस्ट कर लेंगे। घी में ड्राई फ्रूट्स अच्छे से हो गए हैं, लो फ्लेम पर ही करेंगे, बहुत जल्दी जल जाते हैं। अब इन्हें हम निकाल लेते हैं। अब उसी घी में हम ये जो हमने कॉर्न दरदरे पीसे हैं ये डाल देंगे सारे। कॉर्न को अच्छे से घी में सेक लेंगे। कॉर्न 3 से 4 मिनट हो गए हैं सेके, और इनमें घी भी छोड़ दिया है। इस टाइम पर हम इसमें डाल देंगे दूध। को अच्छे से मिलाएंगे। ये दूध अच्छे से कॉर्न में अब्जर्व हो चुका है, अच्छे से पक गया है। अब इस टाइम पर हम इसमें डाल देंगे शुगर, जिसमें हमने इलायची के दाने भी मिलाए हैं क्रश कर। मीठा आप अपने हिसाब से रख सकते हैं कम ज़्यादा। हमने 3/4 कप लिया, 1 कप में शुगर को अच्छे से इसमें डिजर्व होने दें। ये हलवा एकदम बनके ऑलमोस्ट हमारा बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस हलवा बनके तैयार है। इसको ज़्यादा गाढ़ा ना करें, क्योंकि ठंडा होने पर ये बहुत गाढ़ा हो जाता है। इस टाइम पर इसमें हम डाल देंगे ड्राई फ्रूट्स। और ये इसको हम बंद कर देंगे। हमारा बहुत ही डिलीशियस और टेस्टी हलवा बनके एकदम तैयार है। आपने सब तरह के हलवे खाए होंगे, पर एक बार आप इसको जरूर ट्राई करें। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर कमेंट्स करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।